वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का वीडियो में, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बड़ौदा डिवीजन का जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 22 जून 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्यूशन कर लिए थे, आज 36 नंबर आप लोग का क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना लाइक्स देंगे, जितना कमेंट्स आएगा, उसी हिसाब से वीडियो बहुत तेज़ी से ही बनेगा, वंदे भारत का स्पीड में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन एयर ब्रेक एक्सेप्ट ब्रेक वैन इच, ये देखिए आप लोग का वागन का केस में पूछा है, वो भी आप लोग का क्या, आप लोग का ब्रेक वैन को छोड़ के पूछा है। तो इसमें आप लोग का गुड्स के लिए एयर का कैपेसिटी, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी आप लोग का 100 लीटर होता है। उसी हिसाब से अगर ये कोचिंग स्टॉक में आप लोग का ICF में पूछेगा तो 200 लीटर होगा। इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग द वागन ब्रेक, वागन का कंडीशन में पूछा है, सिंगल पाइप सिस्टम रहता है तो इसमें रिलीजिंग टाइम पूछा है। तो रिलीजिंग टाइम कितना होता है आप लोग का, 45 से 60 सेकंड होता है। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन आप लोग का ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रड हेड एंड बैरल ऑफ SAV, ये देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है, किस किस का बीच में डिस्टेंस, कंट्रोल रड का हेड और आप लोग का बैरल, फेस ऑफ बैरल पूछा है। तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं ए डायमेंशन होता है, तो आप लोग 38 का सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का ए डायमेंशन। एट द ऑरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, ये देखिए प्रीमियम रैक का पूछा है, तो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट में आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए 95% ब्रेक पावर रहना जरूरी है, तो आप लोग बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक फ्रॉम नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट बोलने से ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और आप लोग का इसमें जो BPC इशू होगा, इसमें आप लोग का CC रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए आप लोग का 100% ब्रेक पावर रहना चाहिए। ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम ब्रेक एंड टू एंड रैक विल बी वैलिड फॉर, ये देखिए प्रीमियम ब्रेक का आप लोग का BPC का वैलिडिटी पूछ रहा है। तो लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आप लोग का 12 ये होता है आप लोग का 12+5 डेज अभी लेटेस्ट है, लेकिन पहले आप लोग का 12+3 डेज था, जो कि अभी एक्सटेंशन करके आप लोग का 12 ग्रेस पीरियड एक्सटेंशन किया गया है, उसी हिसाब से 12+5 डेज है। तो आप लोग ऑप्शन 4 के साथ चलिए। हाउ मच प्रेशर शुड बी ड्रॉप इन ए मिनट आफ्टर पुटिंग टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, जब भी टेस्ट प्लेट हम लोग यूज करेंगे लोकोमोटिव में, तो उस टाइम आप लोग को कितना प्रेशर ड्रॉप करके टेस्ट करेंगे, तो आप लोग का 1 मिनट में, तो ये हम लोग प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1 kg/cm² ड्रॉप करेंगे प्रेशर, ये लोको लीकेज टेस्ट के टाइम किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना होगा, 1.0 kg/cm² होगा, बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर टेस्टिंग DV द टाइम रिकॉर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 to 0.4 kg/cm², ये देखिए यहीं पर जब ब्रेक सिलेंडर का आप लोग का जो एयर प्रेशर जो ड्रेन हो जो रिलीज होगा 3.8 से आप लोग का 0.4 kg/cm² होगा, तो यहीं पर आप लोग का ये रिलीजिंग टाइम पूछा है, तो रिलीजिंग टाइम आप लोग का ये देखिए कितना होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं रिलीजिंग टाइम कितना होता है, 45 से 60 सेकंड होता है, ये गुड्स का केस में दिया है, तो आप लोग का 43 का आप लोग चलिए 45 से 60 सेकंड चलिए। नेक्स्ट चलते हैं,
व्हाट डू यू मीन बाय SWTR? ये देखिए SWTR का पूर्ण रूप पूछा है, सिंगल वागन टेस्ट रिग हो जाएगा। ये चलिए आप लोग का दो के साथ चलिए, तो SWTR हम लोग कब करते हैं, एक सिंगल वागन को जब भी कोई अगर वागन सीक हो गया तो सिंगल वागन के लिए हम लोग इसका ब्रेक पावर चेक करते हैं, जिसको कि SWTR बोलते हैं, या आप लोग का ROH के दौरान भी करेंगे, POH के दौरान भी करेंगे, SWTR कोई वागन सीक हो जाने से करते हैं, ROH में करते हैं, और आप लोग का POH में भी SWTR किया जाता है, सिंगल वागन टेस्ट रिग। टू अनकपल BP और APRS इट इज एसेंशियल टू, अगर BP और APRS पाइप को हम लोग खोलेंगे तो क्या जरूरी है, तो इसके लिए पहले जरूरी है क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक, उसका बगल वाला जो आप लोग का वागन या कोच का BP APRS पाइप पहले बंद कीजिए, प्रेशर बंद कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वागन का या कोच का आप लोग BP APRS खोलिए, नहीं तो प्रेशर रहेगा बहुत ज़ोर से मारेगा और आप लोग को एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए प्रेशर रहते हुए कभी भी BP APRS नहीं खोलना है। तो यहीं पर ऑप्शन हो जाएगा पहले क्लोज दी एडजेसेंट एंगल कक, सामने वाला कोच या वागन का पहले BP APRS आप लोग का एंगल कक बंद कीजिए, उसके बाद ही आप लोग का ERS पाइप खोलिए। तो आप लोग ऑप्शन आप लोग का बी के साथ चलिए, द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट स्विच। ये देखिए एम्प्टी लोड डिवाइस का इंडिकेटर प्लेट क्या स्विच कर रहा है, ये दिखा रहा है आप लोग का येलो बोलने से आप लोग का एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैक बोलने से आप लोग का लोडेड होगा, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए ब्रेक बाइंडिंग आप लोग का कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में रिलीज करने के लिए, तो ये देखिए ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेट द DV एंड रिलीज मैनुअली, फर्स्ट क्या करेंगे DV आइसोलेट करके रिलीज मैनुअली रिलीज करेंगे। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर, एयर ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग है इसका काम पूछ रहा है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, ये क्या करेगा पिस्टन को सिलेंडर के अंदर ये धकेलेगा पुश करेगा, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंडोमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसनअप बोगी, ये देखिए कंडोमिंग साइज पूछा है 42 mm होगा, नया होने से 46 mm होगा। कंडोमिंग साइज ऑफ साइड वियर रबर पैड फॉर कैसनअप बोगी, ये देखिए CC पैड कंस्टेंट कंटेक्ट टाइप पैड CC पैड का आप लोग का यहीं पर कंडोमिंग साइज पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 109 mm होता है और नया में 114 mm होता है। राजभाषा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए राजभाषा देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, ये पारित हुआ आप लोग का 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 कब लाई गई, ये देखिए राजभाषा अधिनियम का जो धारा 3-3 है उसको 26 जनवरी 1965 को ये लाई गई थी, ये देखिए डी के साथ चार के साथ चलिए। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, देखिए यहीं पर आप लोग का टोटल 30 सदस्य होते हैं, ये देखिए आप लोग का 53 का सी के साथ चलिए, 30 सदस्य होते हैं, जो कि आप लोग का लोकसभा से आप लोग का 20 रहते हैं और आप लोग का राज्यसभा से आप लोग का 10 मेंबर रहते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस आप लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा में हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया गया था, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं भारतीय संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना होगा, कमेंट्स करके बता सकते हैं फ्रेंड्स।
तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। ऑप्शन दो के साथ चलिए, 14 सितंबर 1949 को हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहीं पर आप लोग का बड़ौदा डिवीज़न का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर यहीं पर सॉल्व करना ख़त्म हो रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए और आप लोग जितना लाइक्स देंगे उतना एनकरेज मिलेगा, इतना हमको अच्छा लगेगा। तो चलिए, लाइक्स तो बनता है सबसे फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय दोस्तों।